वेलकम टू द चैनल गाइस। तो छोटी सी जानकारी है, डायग्नोस्टिक मोड में मुझे जाना है, कैसे जाएंगे इस पर आप क्वेश्चन मार्क डबल टैप करिए। अगर यहाँ पे आपका बारकोड नहीं आ रहा है तो आप एक कोड इस पर ट्राई कर सकते हैं और ये कोड आपके काम आएगा इसके अंदर जाने के लिए। अगर बारकोड आएगा तो नहीं जाएगा। अब यहाँ पे आने के बाद आप देख सकते हैं मेरा जो मोबाइल है वो कनेक्टेड है वाईफाई से, क्योंकि मैंने मोबाइल के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है मोबाइल हॉटस्पॉट। अब मुझे इसके अंदर अगर जाना है या बाहर आना है तो क्या करना होगा। अंदर जाना है इसके तो आप यहाँ पे जा सकते हैं सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स पर जब आप क्लिक करेंगे यहाँ ओके का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे चले जाइए आप। अब एक तो ये मैं तरीका बता देता हूँ आपको इसे बाहर कैसे आना है। तो जैसे आप अंदर जाके इन्फॉर्मेशन वगैरह को देख लीजिए, ठीक है। देखने के बाद अगर बाहर आना है तो आप ऐप में जाइए। ऐप में जाने के बाद ये डायग्नोस्टिक है, डायग्नोस्टिक पे क्लिक करिए और यहाँ पे ओपन करें। ओपन करने के बाद में आप यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ से आने के बाद में अब आपको फिनिश करना है। फिनिश जैसे करेंगे ओके करेंगे या आप बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से डायग्नोस्टिक मोड में जाते हैं और बाहर आते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी ये मैं डायग्नोस्टिक मोड में हूँ और ब्राउज़र मोड पर मैं आया हूँ। अब मुझे मैप चलाना है यहाँ पर। बहुत लोगों का आपने वीडियो देखा होगा यूट्यूब वगैरह चलाने के लिए, तो मेरे लिए तो वो यूज़फुल नहीं है। अभी मेरे में मूव ओएस भी नहीं आया हुआ है तो मैं यहाँ पे डालता हूँ map.google.com और सर्च करता हूँ। आप देखिए यहाँ पर प्रॉपर तरीके से ओपन हो रहा है फाइंड अ प्लेस। अब मैं यहाँ पर स्टे ऑन वे भी रखता हूँ, कोई ऐप तो इसके अंदर है नहीं। लेट्स एग्जांपल मेरा ऑफिस लोकेशन है ग्रीन पार्क, तो मैं ग्रीन पार्क मेट्रो। अब देखिए ये मैंने क्या है, इसकी जो टाइमिंग्स है जो स्क्रीन ऑन टाइम का, वो मैंने 15 सेकंड किया हुआ है इसलिए वो हट जा रहा है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ग्रीन पार्क मेट्रो स्टेशन, बिल्कुल डायरेक्शन पे चलते हैं और ये स्टार्ट करते हैं इसको। स्टार्टिंग पॉइंट इसको अपने आप ले लेना चाहिए वैसे, फिर भी मैं इसको डाल देता हूँ यहाँ पर। मुझे बाइक से जाना है और चूज योर लोकेशन, तो यहाँ मैंने चूज़ योर लोकेशन मैंने सेलेक्ट कर लिया और ये जो है 24 मिनट बता रहा है नेविगेट। यहाँ पर इस तरीके से करते हैं। डायग्नोस्टिक मोड में कैसे लोग YouTube चला रहे हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। डायग्नोस्टिक मोड में जाइए आप, सेटिंग्स पे क्लिक करिए, ओके में चलिए और यहाँ बहुत लोगों को 1.0.30 के बाद में प्रॉब्लम आ रही है चार्जिंग को लेके, तो वो एक बार फैक्ट्री रीसेट करके भी इसको देख सकते हैं। डायग्नोस्टिक मोड में जाना है, उसके बाद आपको सिस्टम में जाना है। सिस्टम में जाने के बाद आप यहाँ एडवांस ऑप्शन में जाएंगे। एडवांस ऑप्शन बाद में रीसेट ऑप्शन में जाइए और यहाँ से इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पर आप क्लिक करके इरेज ऑल डेटा कर सकते हैं। आपका स्कूटर रिबूट होगा और आपका जो चार्जिंग वाला जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगा।